दोस्तों आधी रात ऐसा क्या हुआ कि बिग बॉस ने बेबिका को अचानक कन्फेशन रूम में बुलाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बेबिका से जुड़ी एक लेटेस्ट बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें बिग बॉस ने बेबिका को कन्फेशन रूम में बुलाया और मनीषा रानी और फुकरा इंसान को लेकर कई सारी बातें करते हुए नजर आई, जिसके बाद बेबिका ने कन्फेशन रूम में बिग बॉस से माफी भी मांगी। क्या किया है बेबिका ने फुकरा इंसान और मनीषा के साथ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग बिग बॉस में किसे सपोर्ट कर रहे हैं, फुकरा इंसान या एलविस यादव को, वो भी जरूर कमेंट करना। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आधी रात को बिग बॉस ने सीधा सीधा अनाउंस किया कि बेबिका तुम इसी वक्त कन्फेशन रूम में आ जाओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेबिका जैसे ही कन्फेशन रूम में जाती है और बिग बॉस ने बेबिका को फटकार लगाते हुए कहा कि जो आपने मनीषा रानी को धक्के दिए मैंने उसके लिए आपको बुलाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों में बिग बॉस के घर में एंजल वर्सेस डेविल का टास्क हुआ था, जिसमें बेबिका मनीषा रानी को धक्के देते हुए नजर आती है। मनीषा ने कैमरे में आके बात की थी मनीषा के साथ। अभिषेक ने भी कैमरे में आगे कहा था कि हम यहाँ मार खाने नहीं आए हैं, इसीलिए बिग बॉस आप इसका फैसला करो। जिसके बाद फुकरा इंसान और मनीषा की बात सुनकर बिग बॉस ने बेबिका को कन्फेशन रूम में बुलाया और कहा तुम घर के अंदर पहले भी कई बार लोगों को मार चुकी हो। और भी बिग बॉस ने बेबिका की अच्छे से क्लास ली। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।